हेलो कार, आप लोग अभी गाड़ी देख सकते हैं। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब गैस करो कि भाई कौन सी गाड़ी है, बिकॉज़ काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। कई लोग पहचान गए होंगे, कई लोग नहीं भी पहचाने होंगे। तो जिनकी गाड़ी है वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो एक बार में तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये अपने भैया हेलो हैं। गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले भैया अपना नाम बता दो। मेरा नाम नीतीश राठौड़ है और मैं काम करता हूँ भोपाल एम्स के अंदर। और ये कार लिए मुझे लगभग 2 से 3 महीना हो चुका है और लगभग मैं इस कार को 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 5,300 किलोमीटर चला चुका हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एक बार चार्ज करने पर कार कितनी चलती है, कौन सी स्पीड पे, कौन से मोड पे रखने पर ये कार कितना किलोमीटर की रेंज देती है। एक तो इकोनॉमी मोड होता है, एक सिटी मोड है और अपने पास एक स्पोर्ट मोड है, ठीक है? तो इन सब के बारे में अपन जानेंगे। और इसका जो साउंड सिस्टम है विच इज़ वेरी गुड, और इतना ऐसे इफेक्टिव लगता है, इतना अच्छा लगता है जब आप इसमें कार चलाते हो और साउंड क्वालिटी चेक करोगे तब भी आपको भी लगेगा। और जैसे कि अगर आप बात करें कि एक बार चार्ज करने में कितना किलोमीटर ये चलती है, तो दोस्तों मैंने इसको 100% चार्ज किया हुआ है। और जब मैंने इसको प्रॉपर इकोनॉमी मोड पे चलाया है, यहाँ से मेरा घर पड़ता है कोटा, जो कि 330-340 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पड़ता है, तो माए मोहाए मैं इसको फुल चार्ज करके एक बार में लेके गया था। और ये वहाँ जाके खड़ी होगी गाड़ी, उसके बाद भी इसमें ना 65 किलोमीटर बाकी था, तो इतना चलती है एक बार चार्ज करने पर। लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे कि इस गाड़ी को आपको चलाना होता है 70 से 80 के बीच में, बिल्कुल विदाउट एसी। कभी कभी आप एसी चला सकते हो, कभी कभी आप बंद कर सकते हो, ये इसका टोन रहता है। फिर उसके बाद अगर आप इसको सिटी मोड में चलाओगे, सिटी मोड में अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो ये 310 या 320 का एवरेज लगभग देगी, 320 एसी के साथ सिटी मोड में 310। और अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाते हो तो मान के चलिए ये 280 से 290 के बीच में ही एवरेज दे पाती है, इससे ज़्यादा नहीं देती है जब आप इसको स्पोर्ट मोड पे चलाते हो। तो जैसे अभी तक आपने जैसे चढ़ान वगैरह जो होती है ना, घाट होते हैं, वहां पर अभी तक इसको चलाया है? हाँ, मैंने इसको घाट पे चलाया हुआ है, बहुत प्यार से चढ़ती है। मतलब दूसरी गाड़ियों में ना गियर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने इसको इकोनॉमी मोड पे भी इतनी स्मूथली चढ़ती है ना, जैसे सलकनपुर माता जी का मंदिर है यहाँ पर पहाड़ी पे है, ठीक है? वहां पर हमने इसको एक बार ट्राई किया, तो हम 5 जने बैठे हुए थे, फिर भी इतना स्मूथली चढ़ी, पता ही नहीं चला कि टेक पे चढ़ रही है। और जब ऊपर से उतरी ना, ये तो चार्ज होगी ऑटोमेटिक, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप इसको इसका जो जनरेशन मोड है उसको ऑन कर सकते हैं आप, जैसे जनरेशन लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप 0 पे रखते हो तो ऐसा लगता है कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी चला रहे हो, बट फर्स्ट पे रखते हो तो थोड़ा बहुत ब्रेकिंग करती है गाड़ी, मतलब जैसे कि आप चलाओगे तो थोड़ा सा रुकेगी धीरे धीरे। सेकंड पे मीडियम से रुकती है, अगर आप इसको 50 की स्पीड पे छोड़ते हो सेकंड, अगर जनरेशन मोड पे, और 50 की स्पीड पे चला के छोड़ते हो, तो लगभग 15 सेकंड के अंदर ये गाड़ी लगभग 25 से 20 पे आ जाएगी, ठीक है? इसका ये है। लेकिन अगर आपने इसको थर्ड जनरेशन पे कर रखा है और आप 50 की स्पीड पे चला रहे हो, तो विद इन 10 सेकंड के अंदर ये गाड़ी 20 पे आ जाएगी, ये इसका, और ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है उससे जब आप टैंक से नीचे उतरते हो। तो मैंने इसको देखा है कि चार्ज हो जाती है और किलोमीटर में ज़्यादा चल पाती है। और कभी कभी आपको अगर गाड़ी को अच्छे से एवरेज निकालना है, तो मेरा एक मानना ये है कि गाड़ी को जैसे आप सडनली अगर पिकअप करते हो, तो गाड़ी का बैटरी भी खत्म होता है और उसके साथ साथ ये ना एवरेज भी बहुत कम देती है। अगर आपको इसको 50 या 70 पे भी ले जाना है, दौड़ाना है, तो आप इसको एस्केलेट धीरे धीरे कीजिए, तब ये बहुत अच्छे से चल पाएगी। और वैसे भी आजकल तो वही इंडियन हाईवेज पे वही 80 या 120 की मैक्स स्पीड होती है। हाँ ये है, लेकिन एक और बात ये लगती है, सुकून इस बात का होता है कि जब आप पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते हो तो एक दर्द होता है आपको, मीठा मीठा वो दर्द होता है कि यार वहां तक जाऊंगा पेट्रोल जलेगा, ठीक है? बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। और मैं आपको विश्वास करो, मैं जब एम्स में ड्यूटी करके निकलता हूँ तब मुझे पोहा खाने की इच्छा होती है, तो एमपी नगर में बहुत अच्छा पोहा मिलता है, जो कि मेरे एम्स से लगभग लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तो मैं 8 किलोमीटर पोहा खाने जाता हूँ, अपने दोस्तों को भी लेके जाता हूँ, और 8 किलोमीटर से आके पोहा खा के आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ना बहुत कम पैसा लग रहा है और बहुत इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट में मेरी गाड़ी चलती है। वहीं पर पेट्रोल वालों के साथ बड़ा दुख होता है बेचारों के साथ, क्यों? क्योंकि उनका गाड़ी का एवरेज सिटी के अंदर 12 से 13 14 मैक्सिमम दे सकती है गाड़ी, इससे ज़्यादा नहीं देती कोई भी। लेकिन अपनी तो रीजनरेशन मोड में चलाते हैं अपन, तो और इफेक्टिव पड़ती है। ये रोडों पे खरपतवार ज़्यादा होती है, तो थोड़ा बच के चले इनसे, ठीक है? तो हमने आपको अभी ब्रीफ कराया था किसके बारे में, टाटा नेक्सोन के बारे में। टाटा नेक्सोन ईवी जो कि फेस्ट लिफ्ट टॉप मॉडल है इसका, एक बार चार्ज करने में कितना चलती है ये सब डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल की गाड़ी के दाम थोड़े कम होते हैं एज कंपेरिजन टू
ईवी, लेकिन जो मजा ईवी चलाने में आता है वो पेट्रोल गाड़ी में नहीं आता, क्योंकि एक तो आप है ना हैंड फ्री हो जाते हो बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना, गियर डालना है या कुछ, इस सबसे आप मजे आ जाते हैं एक्चुअल में। या तो भाई मैं पहली बार ईवी में खुद इतना दूर तक आया हूँ भाई, मेरे को लग ही नहीं रहा बैठ के कि भाई मैं ईवी गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि ईवी का एक टोटी है, मतलब एक ओरा है, ओरा है, पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद एक भोकाल इसका ये है कि जैसे कि अगर मान लो मुझे किसी को बाईपास करना है या फिर उसको मतलब टर्न मतलब उसको पीछे से ओवरटेक करना है, तो मान के चलिए फॉर्च्यूनर वाला भी पीछे है। अगर टाटा नेक्सन आपके पास ईवी है और लॉन्ग रेंज वाली है, तो अगर स्पोर्ट मोड में डाला हुआ आपने, तो मान के चलिए कि फिर आपके आगे नहीं है, आपसे आगे निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 4 से 5 बार ऐसा कर चुका हूँ। वो गियर डालने में रहता था इन बिटवीन, तो हम 6 सेकंड में 80-90 पार हो जाते हैं, और लोग 7 सेकंड में 100 पार हो जाता हूँ उसमें, और 11 से 12 सेकंड में 150 पहुंच जाता हूँ। ये इसका मैंने आजमाया हुआ है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में मैं चला चुका हूँ। अभी मेरा राउंड है 400 किलोमीटर का एक दो दिन में, तो ये 6 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी अभी। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसकी एसी बहुत इफेक्टिव है। मैंने बहुत सी कारों में बैठा हुआ हूँ मैं, लेकिन एसी उतना इफेक्टिव नहीं लगा मेरे को उनका, जितना इसका एसी इफेक्टिव है। ये बात माननी पड़ेगी मुझे, क्योंकि एक फीलिंग आती है एसी का, एक मतलब सर्दी लगने लग जाती है गर्मी के अंदर भी इसके अंदर। बाकी इसकी सीटिंग से जैसा आप बोल रहे हो कि आप 300-400 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, तो मतलब कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्ट। इसकी सीट ऐसी लगती है भोकाल जैसी सीट है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आती है मुझे तो, एटलीस्ट बहुत परफेक्ट आती है, क्योंकि मेरे साइज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यार इससे बेस्ट सीट नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि मर्सिडीज में चल रहा हूँ मैं, मतलब इतना टॉट है इसकी सीट का भी। और बाकी सस्पेंशन वगैरह, मतलब गड्ढों में क्या हिसाब है? गड्ढों में अगर आप, मैं जैसे कार चलाता हूँ, मैंने इसको मतलब ऑफ रोडिंग तो नहीं की है, बट मान के चलिए गाँव की तरफ मैं गया हूँ, तो ऐसे फीलिंग नहीं आती कि मुझे डर नहीं लगता कि गाड़ी मेरी कहीं टच हो जाएगी, ये गाड़ी पलट जाएगी, ये गाड़ी के नीचे पत्थर आ गया तो मुझे दिक्कत है। ये एक तो टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेस्ट है, मैं 2-3 बार आजमा लिया मैंने गाड़ी में, 5 स्टार रेटेड है, ठीक है, उसके बाद 5 स्टार रेटिंग है, उसके बाद 6 एयरबैग इसके अंदर है, और गड्ढे उड्ढे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी आपके सामने देखो, आप कैमरे को घुमाइए, मैं अपने दोस्त से बोलूंगा, ये देखो कैमरे को, अब देखो इसका टोट देख लो, कोई गड्ढे में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही मैं घुमा लूँ, कितना ही ऑफ रोडिंग कर लूँ, कुछ भी चला लूँ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विद इन सेकंड 60-70-80-90 पे पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। और बेस्ट बात यह है कि इसमें आवाज नहीं आती है, पता है, लेकिन मैं टाटा से रिक्वेस्ट करूंगा, एक थोड़ा सा होना चाहिए मतलब फीलिंग, जैसे रोड पे चल रहे ना तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं कहाँ बैठा हूँ। और इसका हैंडल की जो स्टेबिलिटी ना इतनी अच्छी है कि मैं 5-5 किलोमीटर तक हाथ छोड़ के गाड़ी चला चुका हूँ, मतलब इतनी स्टेबल है ये गाड़ी, इतना मतलब बहुत अच्छे से चलती है। इसकी स्टेयरिंग पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इसमें टाटा का जो लोगो ये, रात को आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जब रात को आप चलते हो ना, तो इसमें लाइट जलती है और इतना अच्छा लगता ना फीलिंग। और इसका जो मैनुअल बटन है भाई, क्या काम करते हैं, एकदम फीलिंग आती है, टेक्सचर बहुत अच्छा है इनका, जो इसका मैनुअल बटन है इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक सी लुक। और उसके बाद जो इसके एलईडी है वो इतनी अच्छी लगती ना, क्योंकि आप है ना 10-15 लाख रुपए खर्च करते हो कोई भी कार में, अगर उसका इंटीरियर एटलीस्ट उसकी एलईडी बड़ी नहीं ना, तो मजा नहीं आता है। वैसे वही बात होगी अगर शादी में आप गए हो, अगर गुलाब जामुन नहीं है, अब वो कितने भी करोड़पति की शादी हो, लेकिन गुलाब जामुन नहीं है तो फिर मजा नहीं आता। उसी प्रकार अगर एलईडी बड़ी नहीं है तो फिर मजा नहीं आता दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे से हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस देंगे और पूरे के पूरे इसके डिटेल्स बताएंगे। एक बार हम आपके लिए ट्रिप करेंगे महाकाल का, भोपाल से महाकाल का एक ट्रिप करने वाले हैं आपके लिए, जिसमें अपन इसको कैसे चलाएंगे, कहां पर चार्ज करेंगे, सब कुछ आपको बताने वाले हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमें भोपाल के एमपी नगर में, ठीक है, हम जा रहे हैं माइक लेने के लिए, एक ब्लॉगिंग के लिए माइक हमें परचेस करना था, तो हम आज आए थे इधर घूमने की तरफ। लेकिन बाहर का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो लिटरली है ना जल के राख हो जाएगी आपकी, क्योंकि बाहर की ट्रैफिक इतना गंदा ट्रैफिक है, इतना पेट्रोल की गाड़ियाँ, ठीक है। और पता है आपको बाहर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली जितना मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 34 से 35 के लगभग है, लेकिन अंदर हमें सर्दी का एहसास हो रहा है इसके एसी में। इतना ऑटो, अगर आप ऑटो मोड पे चलाते हो तो लिटरली इससे बेस्ट कुछ नहीं है, मैंने खुद ने एहसास किया और महसूस किया भी ये वाला चीज़। एमपी नगर में काफ़ी ट्रैफिक होता है ये देखा गया है, और यहाँ पर अभी जैसे कि मेट्रो का काम चल रहा है, जब मेट्रो का काम पूरा जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा, फिर यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और संसाधनों की कमी जो अभी है यहाँ पर वो दूर हो जाएगी। फिर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं, कि ये ऑटो वाला से बच के रहा करो आप, ये कहीं भी घुसा देते हैं, मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कार की जगह बुलडोजर लगाना चाहिए। और एक पापा की परियों से जो कि कान के अंदर एयरफोन डाल लेती हैं, और फिर इनको कोई मतलब नहीं होता दुनिया से कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो ये है दोस्तों एमपी नगर, आगे का कैमरा फ्लिप करो एक बार, ठीक है, ये एमपी नगर हम आ चुके हैं, ठीक है,
हम जा रहे हैं माइक परचेस करने ताकि आपके लिए नए नए ब्लॉग्स नए नए वीडियोस बना सकें अच्छे अच्छे वाले, ठीक है। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते रहें, ठीक है। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा जो हौसला है ना वो बढ़ता रहेगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और वो मोटिवेशन हमारे लिए ADR का काम करता है, पता है आपको। मतलब हमें फील होता है कि यार हम जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और आगे आने वाले समय में आपको ऐसी ऐसी ब्लॉग्स और ऐसे ऐसे वीडियोस देंगे हम जो आपने कभी देखे होंगे ना कोई किसी ब्लॉगर ने कभी बनाए होंगे, ठीक है। आपके लिए करेंगे हम बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने वाले, आपके लिए बहुत सारे टूर हम प्लान कर रहे हैं। जैसे कि अगर टाटा नेक्सॉन EV है आपके पास, तो EV को लेके आपको कहाँ पर जाना है, जैसे कि आपको मंदिर जाना है, जैसे कि मेरा अभी नेक्स्ट ईयर है महाकाल का, महाकाल दर्शन करने जाएंगे हम EV लेके, तो आपको पूरा फुल ब्लॉग बताएंगे कहाँ कहाँ से हम कितना गए, कितना किलोमीटर पड़ा हमें, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से बागेश्वर धाम, ठीक है। फिर उसके साथ आपको ट्रिप कराएंगे हम कुबेश्वर धाम की, ठीक है, जहाँ पर रुद्राक्ष मिलते हैं, उनका नाम क्या है, प्रदीप मिश्रा जी के, वहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है, आप सभी को लेके। तो ये सब चीज़ें हम आपके लिए कवर करने हैं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी हमारे लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों हम पहुंच चुके हैं MP नगर, और आपके सामने है यहाँ महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति, ठीक है, इसीलिए इसको MP नगर कहा जाता है। MP नगर की फुल फॉर्म होती है महाराणा प्रताप चौक।